वहीं फ्रांस में आज नेशनल असेंबली के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इससे पहले 30 जून को हुए चुनाव हुआ था, वहीं इसमें दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली यानी NR को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी NFP गठबंधन रहा, इसे 27.99% वोट मिले। वहीं मैक्रो की रेनेसा पार्टी सिर्फ 20.76% वोट हासिल करने में कामयाब रही। आज केवल वे ही उम्मीदवार खड़े हैं जिन्हें पहले चरण में 12.5% से ज्यादा वोट मिला हो। वहीं नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जरूरी है, जीतना जरूरी था और है भी। वहीं फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रों ने समय से पहले इसी महीने संसद भंग कर